यार तो देखो कैसे हो तुम लोग। कोरोना वायरस से जितना ही सेफ रहोगे, जितना ही एक दूसरे से दूर रहोगे, अभी फायदे में रहोगे। सो मेरे ख्याल से स्टे होम स्टे सेफ। ठीक है, देखो निरंतर आ रहा में भी बढ़ते जा रहा है केस, इसीलिए अपने आप को संभालो और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखो। सरकार के बात का पालन करो, इससे हमारा तुम्हारा ही कल्याण होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं यार ऋषि कपूर सर की। सर आज आप हमारे साथ नहीं हैं और इस बात का हमें बहुत ही दुख है। सर आप जहाँ भी हो बस खुश रहो, अच्छे से रहो, जिस दुनिया में भी हो सर शांति से रहिए। सर अब हम लोग लौटते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। यार आज का टॉपिक है दान। दान तो सुना ही होगा, जो आजकल बहुत लोग दान कर रहे हैं, बहुत से जिनके पास धन है या बल है, जिस तरह से भी कर सकते हैं वो अपने तरफ से दान कर रहे हैं इस माह में। उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत मतलब नमन है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग हैं जो दान तो कर रहे हैं और साथ में सेल्फी भी ले रहे हैं और अपलोड कर रहे हैं उसको जगह जगह, ये बताने के लिए कि हमने ये दान कर दिया है। सर पहला नंबर तो सर आप लोग दान नहीं कर रहे हैं, एक तरह से डील कर रहे हैं। कुछ कुछ ऐसा ही लग रहा है कि तुम मुझे सेल्फी दो, बदले में मैं तुम्हें एक टाइम का खाना दूंगा, फिर तुम मुझे सेल्फी दो, फिर बदले में एक टाइम का खाना दूंगा। तो ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पैसे। देखो दान क्या होता है, दान सर कोई किसी को भी दे सकता है। दान पे किसी का कॉपीराइट नहीं होता है कि अमीर ही गरीब को दान देगा। दान कोई किसी को भी दे सकता है, बस उसमें उसके मन में ये निस्वार्थ भावना होना चाहिए देने के लिए कि हाँ बिना स्वार्थ के हम दे रहे हैं। एक गरीब भी अमीर व्यक्ति को दे सकता है, एक प्रजा भी राजा को दे सकती है दान। ठीक है, तो दान कैसा होना चाहिए ये भी आप समझ लो कि आप क्या किसी को रोटी दे रहे हो तो क्या वो रोटी का ही केवल दान कर देना सही दान है। मान लो कि मैं भूखा हूं, ठीक है, तो आपने मुझे दान कर दिया, देखा कि ये तो भूखा है, चलो इसको दान दे देता हूं, और मैं उस दिन खा लिया। लेकिन अगले दिन सर क्या, अगले दिन मैं कहाँ जाऊंगा भीख मांगने, फिर मुझे कौन मिलेगा? क्या हर दिन मुझे दानी से भेंट होता रहेगा? क्या इस धरती पे हर कोई दानवीर कर्ण जैसा है जो दान पे दान मिलता जाएगा? देखो दान देने का प्रक्रिया ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी को ले जाकर रोटी दे दी। रोटी कमाने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है यानी शिक्षा, उसका भी दान करो ताकि हमें आगे चल के फिर उस दान की आवश्यकता ना पड़े। क्योंकि इस तरह का जो दान होता है ना, ये दान नहीं एज एहसान लगता है, क्योंकि इसमें निस्वार्थता, आप कितना भी कहो कि मैं निस्वार्थ मन से आपको पैसा दे रहा हूं, आपको रोटी दे रहा हूं, लेकिन आप सिर्फ निस्वार्थ मन से नहीं दे रहे हो सर, सिर्फ एक दिन के लिए आप दे रहे हो ना। सिर्फ एक दिन का आपको डिफिकल्टी नजर आ रहा है, देखे तो डिफिकल्टी नजर आया, वो आपके आंख में गया लेकिन दिल में नहीं उतरा, दिमाग में नहीं गया, नहीं गया सर अंदर तक, वो डीपली नहीं गया है। सिर्फ आपने आंखों से देखा और एक दिन का प्रॉब्लम को मेरे देखे और आपने दान करके चले गए। सर सिर्फ रोटी दान करना ही सही दान नहीं है, दान एक प्रॉपर वे में होना चाहिए ताकि लोगों को दान की आवश्यकता ना पड़कर। देखो अगर दानवीर कर्ण इतना ही बड़ा दानी होता तो आज वो सबको इतना दान दे दिया होता, ठीक है, कि सबके घर में सब कुछ होता। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप समझो इस बात को कि अगर किसी को आप दान दे रहे हो तो यार ये सेल्फी मत लो, ये सब लेकर अपलोड करते हो। हमने भी थोड़ा बहुत दान किया है लेकिन उसका फोटो लेकर अपलोड नहीं किया है। ठीक है, तो ये जो आप लोग ढिंढोरा पीटते चलते हो, ये मेरे कैलकुलेशन से कुछ ठीक नहीं है। ठीक है,
तो ये सब मत करो यार, किसी का उपहास मत उड़ाओ, ठीक है? उसको फेसबुक पे व्हाट्सएप पे डालो कि ऐसे, तो उसका एक उपहास उड़ने जैसा है कि आप उसका मजाक उड़ा रहे हो, उसके गरीबी का। बेचारा गरीब है तो आपसे भीख मांगा, आपने दान किया, बदले में आपने सेल्फी ले लिया। वैसा ही है जैसे कि आप भगवान के मंदिर में जाते हो और पूजा तभी करते हो जब आपको जरूरत पड़ता है कि अरे नौकरिया थोड़ा मिल जाता तो चल के अपनी शिव जी को 20 लोटा चढ़ा देते। ऐसे शिव जी आपको याद नहीं आते। उसी प्रकार दान भी आपको तभी याद आता है जब आपको कोई काम होता है। तो दान भाई, दान करना पुण्य का काम है। दान करना पुण्य का काम तब होता है जब दान वो सही हो। ऐसे आपका वो पाप ढोने के लिए नहीं बैठा हुआ है, ठीक है, कि आपने वो अपना दान, अरे ऐसा देश है ही, बनाए ही क्यों हो जहां तुमको एक गरीब दिख रहा है उसको दान के नाम पे उस पर एहसान कर रहे हो? क्यों नहीं एक ऐसा समाज बनाते हो जहां सब कोई बराबर हो? तब जाकर दान निस्वार्थ मन से दिया जाएगा। दान केवल पैसा नहीं होता है सर, या रोटी केवल दान नहीं होता है, दान कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है? तो दान का सही मायने समझिए और तब जाकर के आपको दान करना चाहिए। एक प्रॉपर दान ही आगे चल के एक बढ़िया समाज का विकास करेगा, ना कि ऐसे ही बेकार का जो दान के नाम पर एहसान कर रहे हो, वो सबसे नहीं चलेगा सर। ये देश ऐसे नहीं चल पाएगा। होप कि आपको यार कुछ समझ में आया हो, वरना मुझे क्या, समझो या ना समझो मुझे क्या।